आज हम गट्टे की सब्जी बनाने जा रहे हैं। अब हम एक कटोरी बेसन लेंगे, जिसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया है। अब हम खड़े मसाले लेंगे, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा। अब हम इसको कूट लेंगे। अब हम इसमें मसाले कूट लिए हैं, ये डाल देंगे। फिर नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूथ लेंगे। अब हमने गूथ लिया है, अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसको अच्छे से ऐसे मार देंगे, क्योंकि जो अंदर घी है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब ये हो गया है अच्छे से, इसको अब हम पतला पतला ये लंबा लंबा कर लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अब पानी गर्म हो चुका है, पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें पीस को डाल देंगे, ऐसे ही सारा डाल देंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हो गया है? तो जब ये हो जाता है तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा ऐसे। अब हम इसको निकाल लेंगे। जब तक गट्टे हमारे ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम टमाटर, मिर्चा और अदरक को पीस लेते हैं। अब हम गट्टे को काट लेंगे। अब हमने काट लिया है, अब हम इसका डीप फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे गट्टे को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, दालचीनी, लौंग, आधी चम्मच जीरा। अब हमने जो टमाटर, मिर्चा, अदरक का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हमने एक छोटी कटोरी में दही लिया है, अब हम इसमें मसाले को इसी में डाल लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम दही मसाले जो मिक्स करके रखे हैं उसको डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। अब मसाला भुन गया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि जब सब्जी में दही डालते हैं तो नमक बाद में डालते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब ग्रेवी तैयार है, अब हम इसमें गट्टे को डालेंगे जो फ्राई करके रखे हैं। गट्टे को हमने 5 मिनट तक पकाया है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब हमारी गट्टे की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।